ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਜੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚਰਚ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਮਸੀਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਡਾਕਟਰ ਲੁਕਸ ਮਸੀਹ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਖੋਖਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸੇ ਸੈਮ ਚਿੱਦਾ ਪਾਸੇ ਸੈਮਲ ਸੋਨੀ ਮਹਿਬੂਬ ਰਾਏ ਜੋਨ ਕੋਟਲੀ ਪੂਰਨ ਸਫਰੀ ਪੀਟਰ ਚਿੱਦਾ ਪਾਸੇ ਗੁਰਵੰਤ ਰਾਜਾ ਪਾਸੇ ਯਾਕੂਬ ਪਾਸੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੱਟੂ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੱਬਾ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਪਾਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੰਧੂ ਸਾਜਨ ਮਸੀਹ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। मैं पहले भी उत्थे भाषण च भी देता मैं 30 साल हो गए मैं अपने लोगों की सोशल सेवा करते हुए अज तक मैनू अज तक एक मैं पूरे पंजाब दे विच लोगों के लिए आप जाना काम करता वा अपने गरीब लोगों की दलतों के लिए दूजे लिए अज तक मेरे ते कभी कोई पंजाब च मेरी ये बेनती मैं ये कह रहा अज तक मेरे ते कोई नजायज़ जड़ा वा कभी अज तक कभी परचा नहीं दर्ज होया कभी अज तक नहीं इन्ने सालों के मैं कोई नजायज़ जड़ा मैं मेरे 52 साल की एज अज तक कोई DDR नहीं पूरे पंजाब च कोई दूजा नहीं है इन्हें नजायज़ मेरे धक्केशाही ना सिर्फ करप्ट अफसर सिरे है मेरे पंजाब पुलिस बहुत मेरी मदद करती है लेकिन ये जो 3 अफसर है जोड़ा कि AIG 4 है 3 जे DSP एक दूजे इन्होंने पैसे मेरे को मंग करते रहे कभी मैं चाहिए 20 लाख कभी फॉर्चूनर कभी कुछ तो इसलिए मैं तो अज तक 30 साल अज तक कोई कुत्ते सूटी नहीं मारी मैं सोशल वर्कर लीडरशिप से जाना कोई मेरे से परचा नहीं सारे मीडिया जानती अज तक मेरे से कोई प्रोफेशनल नहीं जा मैं कोई किसी किया तो मैं उदों भी कहा कि जे मेरे से इन्होंने नजायज़ झूठा परचा दर्ज किया तो मैं उदों भी तुहानूं कहा कि मैं ये जिल्लत नहीं जी सकता क्योंकि इन्होंने मेरे से जिहड़ा अगे भी एलीगेशन लड़ाई झगड़ी होवे आपस कित मारकुट हो जाए आपस वो दलेरी होंदी है लेकिन ये जिहड़ा देश द्रोही का परचा मेरे दे लई इन्होंने नुकसानदेह किया वा इसलिए मैं उदन तुहाडे नाल कहा सी साडे घट्टो घट 100 चैनल एसटीएफ दे सामने ही तो मेरे ते इन्होंने नजायज़ ते झूठा परचा दर्ज किया इसलिए मैं अज जिहड़ा इहदे ते आत्म हत्या करन जा रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम की तो आज का जो तुम्हें मानयोग अनवर मसीह जी के हक के सैकड़े लोग इतने पहुंचे हो तो मैनू लगता है विवेंद्र महाजन या जरा दूजा तीजा रक्षपाल है मैं तो बहुत छोटी छोटी गल आज चंडीगढ़ का जरा बैठा ना जरा चीकू बना रहा है खेती अला रहा अलूसा लाई अज उन्होंने भी करंट ला के होना अज तुम साबित कर दिता कि मसीह समाज के लोग जो उसके शासन प्रशासन कोई धक्का नहीं कर सकता।
हो सकता, मैं चाहता पंजाब बंद नहीं हो सकता। इसलिए जिथे मसीह भाईचारे के नाल पूरा बहुजन समाज जिसका दुख जी ने दसिया कि गुरु रविदास जिन्हों मनन वाले लोग भी इतने पहुंचे आ, भगवान वाजिब महाराज को मनन वाले भी लोग पहुंचे आ, और श्रोमी शहीद बाबा जीवन सिंह जिन्हों मनन वाले लोग भी पहुंचे आ। उथे ही बहुजन समाज पार्टी शुरू तो बहुजन समाज पार्टी शुरू तो अनवर मसीह जी के नाल हलो जी आत्महत्या करने की कोशिश की दवाई खाधी उस एक सच्चे बंद जो एलीगेशन लगता वा ना तो दुख हों वा इस उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की उम्र दे असं प्रशासन के मांग करते हैं सरकार ने भी मांग करते हैं फिर झूठे उनके कार्रवाई की जाए बच्चा रखा सरकार जेकर इस वाल नहीं ध्यान करती अजे भी तो फिर की अगली कार्रवाई की होगी अगली कार्रवाई इस तरह ही आप हम तो शांति का धरना दिता गया वा शांति रोस मार्च किया गया वा जैसे बंदियां इकट्ठे हो गई फिर सत्ता के कटन के सिटी रोड जाम हो गए बाईपास जाम हो गए शहर पूरा बंद होएगा परिवार वालों कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो पैसे की गल आई है रिश्वत की गल कम रिश्वत दी गई है इन्होंने खिलाफ और जो अनवर मसीह ने अज जी सुसाइड करने कोशिश की जी दवाई खाधी जो जिम्मेवार कौन है और रिश्वत लैन वाले अफसर परिवार इंसाफ।